एक सरकार हमको 2013 से बड़े विवश कर रही है, हमको बार बार हमको बिठा रही है और बार बार उठा रही है। नाम लेके केदारनाथ से भी विश्व विख्यात है, उसका नाम लेके आप उसको दिल्ली में स्थापित कर रहे हो, तो ये हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और शास्त्रों में शिव पुराण आदि में जहाँ पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठ भाग में है, तो जो पता हिमालय का बताया गया है अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक भूमि पूजन किया था जिस पर एक केदारनाथ धाम मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर बनना है। अब इसके बाद जो केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापारी और साथ ही साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस सबका विरोध कर रहे हैं। और इसके बाद अजय अजेंद्र जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष, उनका ही बयान सामने आया है, तो आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां संतों की मौजूदगी में दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर बनाने की भूमि का पूजन किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इसका विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि केदारनाथ धाम का पता शास्त्रों में हिमालय का बताया गया है, तो वह पता दिल्ली में कैसे, ये उचित नहीं है। जानकारी मिली है कि कुछ लोग, उनके जो भी कारण हों, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी जो कि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो वो जैसे अपराध माना जाता है उसी तरह का ये कार्य है, ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में शिव पुराण आदि में जहां पर ये बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठ भाग में है, तो जो पता हिमालय का बताया गया है अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा, तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा, इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित भी इसका विरोध करते दिख रहे हैं। सभी तीर्थ पुरोहित, पुजारी और होटल व्यापारी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया, तो वहीं केदार घाटी के सीतापुर में होटल व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और साथ ही तीर्थ पुरोहित समाज और चारधाम महापंचायत ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। साथ ही सीएम धामी को ज्ञापन भी सौंपा कि केदारेश्वर नाम से देश में कहीं भी मंदिर न बनाया जाए, इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। जहां एक और हमारी केदारनाथ विधानसभा और सेटिंग विधायक और उनका निधन देहरादून में होता है और धामी जी खुद में वहां मौजूद था और धामी जी वहां आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन दुख का विषय है उनका अंतिम संस्कार होने से पहले ही धामी जी दिल्ली जाते हैं और जिस क्षेत्र का विधायक का निधन हो गया हो उस क्षेत्र में जो केदारनाथ का मंदिर है उसका दूसरा मंदिर बनाने के लिए और उसका शिलान्यास करने के लिए धामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक करेंगे और दिल्ली में जो धामी जी केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण किया, उसको धामी जी को भुगतना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पटलाव विरोध करेंगे। ये अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो
दिव्य स्थान है, उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इसके अलावा मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने भी इसका विरोध किया है। देखिए, हम सभी उत्तराखंड वासियों की पहचान केदारनाथ मंदिर से, हम सभी को बाबा केदार की भूमि में रहने वाले लोगों के रूप में जाना जाता है पूरे देश ही नहीं विश्व में। और आज इस बात का बहुत ही दुख हो रहा है, बाबा केदार का मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले में बीकेटीसी के अध्यक्ष का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं है। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ दिल्ली धाम का भूमि पूजन किया था, जिसमें संत भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के बुराड़ी में हिरंकी रोड पर केदारनाथ दिल्ली धाम मंदिर का निर्माण होगा, जो 2 से 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि मंदिर के लिए करीब 3 एकड़ की जमीन दान में मिली है और 15 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण होना है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि केदारनाथ धाम, जहां बुजुर्ग कठिन चढ़ाई की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं, अब ऐसे लोग भी दिल्ली में केदारनाथ भगवान के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ मंदिर से ही शिला लाकर यहां प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।